साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप साबूदाना लिया था और 5 से 6 घंटे मैंने इसे भिगो के रखा था। और इसके बाद में मैंने छन्नी में लेके डायरेक्ट ही मैं ये पानी के नीचे रख के ये धो रही हूँ, क्योंकि इसमें जो स्टार्च होता है इसी से हमारा जो साबूदाना है वो इतना खिला खिला नहीं बनता है और चिपक जाता है। तो ये जो ट्रिक है आप ज़रूर करिए, और हमें 4 दफ़ा इसे इसी तरह से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद में आपको मैं ये आपके लिए एक नई एक क्रिएटिव चीज़ लेके आई हूँ, जो कभी शायद आपने देखा नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। मैंने क्या किया है कि एक पतीली ले ली है, उसमें पानी डाल के इसे बॉईल करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैं ये कांच का बाउल रखूँगी। अगर आपके पास में नहीं है तो आप सेम तरह की पतीली जो है वो रख सकते हैं, लेकिन स्टील ना लें। आप इसको तांबे की ले सकते हैं या पीतल की ले सकते हैं, और दोनों सेम होनी चाहिए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रे कर रही हूँ मैं, और इसके बाद में ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये वॉश कर दिया है और पूरा स्टार्च इसमें से निकल गया है। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना है कैसे गिर रहा है ना। और बस इसे हमें इसी तरह से इसी इसमें ही हमें बॉईल करना है, और इसमें थोड़ा सा हम लेमन जो है उसका जूस हम डालेंगे। आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था कि सॉल्ट जो है पहले जब भी भिगोती हूँ हमेशा तभी डाल देती हूँ, तो ये सॉल्ट जो है वो इसी में फिर डालना नहीं पड़ेगा। हाँ, हम जब खिचड़ी बनाएंगे तभी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लेमन जो है उसका जूस जो है डाल रही हूँ, और फिर हमें इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है, और ढक्कन जो है आपको इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और प्लस इसमें से हवा ना निकले वो हमें देखना है, क्योंकि इसे क्या होगा कि ये अच्छे से बॉयल नहीं हो पाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ढक्कन जो है वो आपका इसके ऊपर अच्छे से फिट बैठे। अगर ऐसा नहीं है तो एक कोई भी एक टॉवल ले लीजिए और उसके ऊपर रैप कर दीजिए, तो क्या होगा कि वो जो पानी है वो तो सोख लेगा, लेकिन आपका जो ये साबूदाना है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा इसमें इसी बाफ में। तो चलिए, बस मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये लिया हुआ है और उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये स्टीम में अभी साबूदाना है वो जो पक जाएगा, और बीच में मैं चलाती रहती हूँ, और इससे क्या आपको ये भी मालूम पड़ेगा और ओवर कुक ना हो जाए वो भी हमें देखना है। हाँ, लाजिम हमें 15 मिनट तो ज़रूर लगेगी इसमें बनाने के लिए, लेकिन साबूदाना का एक एक दाना जो है ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्टीम हो रहा है। मैं आपको इतने पास से दिखा रही हूँ इसीलिए कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि आपके लिए आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है। मैं कभी कभार इसी तरह से ये बनाती रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप देखिए कि किस तरह से ये साबूदाना का जो दाना है मोती की तरह चमक रहा है ना। और जब भी मैं आप निकाल के आपको दिखाऊंगी बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए, ये जब तक होता है हम साबूदाना का जो खिचड़ी है वो बना लेते हैं। घी लेंगे थोड़ा सा, इसमें जीरा डालेंगे, और फिर जीरा डालने के बाद में हम इसमें सभी चीज़ें जो ज़रूरी है वो हमें पास में रखनी है, जिस तरह से हम मिर्ची डालेंगे, इसमें आलू जो है वो बॉईल किया हुआ मैं लूँगी, और करी पत्ता मैं लूँगी। ये सभी चीज़ों को हमें अच्छे से इसे तड़का लगाना है।
है ना, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं बस वैसे ही है। और ये थोड़ा सा ग्रेटेड हमेशा से मैं डालती हूँ अदरक, और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। और आलू डालने के बाद में देखिए कितना जल्दी हो गया हमारा ये, है ना। और जैसे ही हमारा साइड पे रख देते हैं, और इसके अंदर, हाँ ये तो हम भूल गए, हमें इसके अंदर ये मूंगफली के जो हैं छोटे छोटे पीस करके भी डालने हैं। और आप देख पाएंगे ये हमारा जो साबूदाना है डबल ब्रॉयलर में बहुत अच्छे से ये स्टीम होके रेडी हो गया है, और एक एक दाना जो है वो अलग हो गया है। तो बस इसे गैस से ढक के रखिए और गैस बंद कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने आलू की जो सब्ज़ी जो है खिचड़ी में डालने के लिए हमने जो बनाई है इसमें मैं डालूँगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये बॉईल किया हुआ ही नहीं है, एकदम से जैसे हम कच्चा वाला लेते हैं ना वैसे ही दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये कुक हो गया है। और बस इसे मिक्स कर दीजिए। देखिए आपका साबूदाना खिचड़ी कितना खिला खिला हो गया है ना। तो ये बढ़िया सी ट्रिक है और बहुत इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, और आपके लिए ही ये मैंने किया हुआ है। तो इसी प्रकार से बनाइए। और ये जो साबूदाना है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी चाहिए इस तरह की भाजी बना दीजिए और उसमें डाल के खिचड़ी बना दीजिए। रोज़ भी आप ये बना के खा सकते हैं, जी हाँ। और ये रेडी है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे और आप सर्व करके आपको दिखाएंगे। और सेकंड स्टाइल में आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर आता है, जैसे कि कभी कभार हमारा उपवास होता है तो हम हल्दीराम का लेते हैं, है ना, मिक्सचर जो काजू और इसे बनाया होता है पोटैटो फ्लैक्स से जो हम फराल में खाते हैं। तो इसी तरह से बस साबूदाना को आप एक बाउल में डाल दीजिए और थोड़ा सा ये लाल चिली जो है, रेड चिली मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा ये सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ, और ये धनिया ऊपर से, और ये जो हमारा मिक्सचर है वो हमें इसमें डाल देना है। और हो गया ये हमारा खिचड़ी मिक्सचर के साथ में रेडी, और ये भी आप खा सकते हैं, है ना, आपके उपवास में। और एक नया ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर ये बनाइए और ज़रूर ये खाइए। आपको अगर मेरा पसंद आया हो तो वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और कोई नई चीज़ें आपको अगर सीखनी है, देखनी है, तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम ज़रूर आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। और ये आलू है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साइड में सर्व किया है। और ये जो हमारी खिचड़ी है जो ओरिजिनल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, ये देखिए। और एक एक दाना जो है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप जब भी बनाओगे तभी ही मालूम पड़ेगा, ये भी सीखने मिलेगा। तो इस तरह से हम खिचड़ी को एक नया सा एक रूप दे सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इसे हम सर्व कर सकते हैं हमारे गेस्ट को, है ना। तो सीखिए, सिखाएं, और कुछ चलिए साथ में मिलके नया करते हैं।